अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ चौधरी रफ़ीकुर रहमान और ये है हमारा यूट्यूब चैनल द मास्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है आदतें नस्लों का पता देती हैं। ये एक स्टोरी है बादशाह की और एक उसके दरबारी की, इसके ऊपर हम आज बात करते हैं। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब के लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई, कहा सियासी हूँ। अरबी में सियासी अफहाम व तहफीम से मसला हल करने वाले ये मामला फहम को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी, इसे ख़ास घोड़ों के इस्तबल का इंचार्ज बना लिया जो हाल ही में फौत हो चुका था। चंद दिनों बाद बादशाह ने इससे अपने सबसे महंगे और अजीज़ घोड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया। उसने कहा नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। इसने जंगल से साइस को बुलाकर दरियाफ्त किया। इसने बताया घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये गाय का दूध पीकर इसके साथ पला है। असूल को बुलाया गया, तुमको कैसे पता चला असील नहीं है? इसने कहा ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह इसकी फरासत से बहुत मुतासर हुआ। असूल के घर अनाज, घी, दुम्बे और परिंदे का आला गोश्त बतौर इनाम भेजा। इसके साथ साथ इसे मलका के महल में तैनात कर दिया गया। चंद दिनों बाद बादशाह ने मसाहिब से बेगम के बारे में राय मांगी। इसने कहा दौरतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह को पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आवाज बहाल किए सास को बुला भेजा। मामला इसके गोश्तदार किया। इसने कहा हकीकत है, तुम्हारे बाप ने मेरे खावन से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की ही थी कि जब वो फौत हो गई। चनाचे हमने तुम्हारे बादशाह से करीबी तअल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना दी। बादशाह ने मसाहिब से दरियाफ्त किया, तुमको कैसे इलम हुआ? इसने कहा खादमों के साथ सलूक जाहलों से बदतर है। बादशाह इसकी फरासत से खासा मुतासर हुआ। बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर अनाम थी, साथ ही इसे अपने दरबार में मुतय्यन कर लिया। कुछ वक्त गुजरा, मुसाहिब को बुलाया। बादशाह ने मुसाहिब को बुलाया, अपने बारे में दरियाफ्त किया। मुसाहिब ने कहा जनाब अमान, बादशाह ने वादा किया। इसने कहा ठीक है, जान की अमान देता हूँ। और उसने बादशाह को फिर जवाब दिया, ये ना तुम बादशाह ज़ादे हो, नवान तुम्हारा चाल चलन बादशाह वाला है। बादशाह को तौबा आया, मगर जान की अमान दे चुका था। सीधा वालदा के महल पहुंचा। वालदा ने कहा यह सच है, तुम्हें एक चरवाहे के बेटे, हमारी औलाद नहीं थी जो तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने मुसाहिब को बुलाया, पूछा बता तुझे कैसे इल्म हुआ? इसने कहा बादशाह जब किसी को अनाम व कराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीज़ें अनायत करते हैं। ये स्वरूप बादशाह ज़्यादा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। लिहाजा साबित हुआ आदतें नस्लों को पता देती हैं। आदत
اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرواتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔